गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम, इसके बाद आप इन्हें अपने नोटबुक में लिख रहे हैं। ओके बेटा, दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो हम इस फाइबर को सिंथेटिक कहते हैं, तो आप जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक? मैम क्योंकि वो नेचुरल से नहीं बना, उसको सेंसिटिव कहते हैं। मैन मेड मैम। मैन मेड मैम, मैन मेड आवाज नहीं आ रही है, नेचुरल से नहीं बना। मैम आ रही है, बताएं मैम, हम बताएं मैम। क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए मैम। यस मैम, बताएं मैम, हम बताएं मैम। These are some fiber that are prepared by man by using chemical. These are called synthetic fiber. These are made of small unit that join together to form long chains. Example of synthetic fiber are rayon, nylon, polyester, etc. थोड़ा सा आवाज स्पीकर की अपनी इंडस्ट्रीज। These are man made up of small units that join together to form long chain. Some examples of synthetic fiber are nylon, rayon. हम आपका नेटवर्क इशू होगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस मैम, आ रही है। यस मैम, यस मैम। तो देखिए बेटा, समझ लेते हैं सिंथेटिक मींस होता है। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ऐसे ऐसा मटेरियल है ना, जहाँ पर ना जो आर्टिफिशियल है, तो मैन मेड है, जहाँ पर हम केमिकल का यूज करते हैं ना, वहाँ पर ये वाटर ग्रीन हो जाता है, दैट इज सिंथेटिक। मैम आप, आपकी जो वॉइस है वो ओके, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, है ना? यानी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम, क्लियर है। यस मैम, सही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है मैम? क्लियर है, सही है मैम। आपकी आवाज क्लियर है पर हमारी आवाज आपके पास नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर है, आपका नेटवर्क मैम क्लियर है, हमारी आवाज क्लियर है पर स्लो आ रही है। क्या करें? सही है मैम, क्लियर है मैम। आपकी आवाज क्लियर है लेकिन धीमे आ रही है। ओके क्लियर है मेरे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो इसमें आप देखोगे कि देयर आर फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, ना? जैसा मैंने आपको बताया, कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि नेचुरली बाय नेचर नहीं बनते, उसमें किसका रोल होता है? ह्यूमन बींग का, ना? और उसमें केमिकल्स, बायोलॉजिकल केमिकल का रोल यूज करते हैं। सो देयर दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, इसलिए हम उनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें एग्जांपल्स में सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयन हो गया, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, पीवीसी का। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। और बिना से ह्यूमन मेड फाइबर्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इज दैट क्लियर बेटा? ओके यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मत करिए, म्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मार्क करना है आपको करेक्ट आंसर कौन सा सही है। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, है ना? रेयन जो है वो डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर्स से। क्यों? पहला ऑप्शन है इट हैज अ सेल्फ लाइक ऑब्टेन फ्रॉम वुड, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। हां हां, वेरी गुड। दैट इज इन बी, बी ऑप्शन मैम, बी मैम, बी ऑप्शन है, दैट इज बी, बी राइट आंसर। इसका इससे पहला वाला इट हैज अ सेल्फ लाइक ऑब्टेन जो बॉल्स है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, यही इसका सही आंसर है ना। इसमें आप बी वाले में टिक कर लीजिएगा, बी का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फिलिंग दी ब्लैंक्स, है ना? इसको फिलिंग दी ब्लैंक आपको फिल करना है। पहला है इसमें सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स, मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स, मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैन मेड, है ना? उसके आगे मैन मेड फाइबर्स। ओके मैम, मैन मेड और आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड, में क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। पॉलीमर। गिव एग्जांपल, इट इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग, है ना? आपको दो एग्जांपल दे देने हैं, है ना? गिव एग्जांपल इन विच इंडिकेट, बताते हैं कि नायलॉन फाइबर्स वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। हमने एक्टिविटी की थी जिसे पैराशूट वगैरह बना रहे थे, है ना? हमने इसे थ्रेड का यूज किया था, तो वही वाला आपको दे देना है। यहाँ शॉर्ट में बताएंगे कि डिटेल में तो आप लिखोगे नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना? हम जानते हैं कि नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स, है ना? रूफ्स बनाने में यूज फॉर क्लाइंबिंग रॉक, है ना? जिसको हम क्या करते हैं, क्लाइंबिंग में जो रॉक्स में क्लाइंब करना होता है, तो इसकी वो नायलॉन की बनाई जाती है एंड पैराशूट वगैरह भी जो है वो नायलॉन फाइबर के ही बनते हैं। तो दीज यूजेस शोस दैट नायलॉन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप बता सकते हो कि कुछ लोग कह सकते हैं कि जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, है ना? प्लास्टिक हमारे, जानते हैं प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, हार्मफुल है ना, ये हार्मफुल है, पहुंचा रहा है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हम जानते हैं, जानते हैं। इसके बाद भी हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है? और फूड आइटम बनाने में खास तौर से प्लास्टिक का यूज हो रहा है, क्या वजह है इसकी, क्यों रखते हैं हम, क्यों फेवर करते हैं, बताइए क्या? नहीं मैम, क्योंकि ये फोल्डेबल होते हैं। मैम प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, मैम लाइट एंड प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, लाइट एंड डेट
प्लास्टिक कंटेनर्स आर फॉरएवर फॉर स्टोरिंग वुड बिकॉज इट इज लाइक इट वेट लोअर इन प्राइस वुड स्ट्रेंथ इजली हैंडल ड्यूरेबल एंड चीपर देन बिकॉज़ वी कैन बाय इसमें देखिए हम जानते हैं क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड इसमें आप बताएंगे आपको देना है ऐसा है कि ये बिकॉज़ दिस इज लाइट वेट है ना ये लाइट वेट होते हैं लोअर प्राइस हमको कम पैसे में मिल जाते हैं गुड स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इजी टू हैंडल हम इसको इजीली हैंडल कर इजीली हैंडल ठीक है यस मैम प्लास्टिक कंटेनर्स आर ध्यान दीजिए पीछे बातें मत करिए Explain the difference between thermoplastic and thermosetic plastic. तो आपको पता है जो thermoplastic है, वो आपकी soft plastic होती है। Thermosetic plastic that is hard plastic. है ना तो ये हम एक normal difference है, वो जानते ही हैं। इसको follow बनाने कीजिए या table बनाने करना है। एक तरफ thermosetic plastic किसी दूसरी देगा, एक तरफ thermoplastic को देगा। है ना? Thermosetic plastic ऐसा है, cannot be bent easily. इसको आप easily bend नहीं कर सकते, क्योंकि ये hard plastic होती है। इससे आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक है ना इट मे ब्रेक व्हेन फोर्स ना जब आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये टूट जाएगा थर्मोप्लास्टिक में आप देखोगे थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजीली इसको आप इजीली बेंड कर सकते हैं ठीक है दूसरा है आप डिफरेंस थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय थर्मोप्लास्टिक को आप हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते दस It cannot be reshaped once mounted. इसीलिए इसको आप reshape नहीं कर सकते बाबा, है ना क्योंकि heat करने पे melt नहीं होती है, है ना soft नहीं होती है इस वजह से यदि आपने इसको एक बार को shape दे दिया है, दोबारा reshape नहीं कर पाएंगे, ठीक है? But thermoplastic में can be softened easily. इसको आप easily soft कर सकते हो by heating. Thus it can be reshaped. इसको आप बार-बार दे सकते हैं दूसरे आर्टिकल थर्मोप्लास्टिक से आप बना सकते हैं है ना क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्सप्लेन व्हाई द पार्टिकल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नंबर दिया गया है ए एंड बी जैसे ये सॉसपैन हैंडल है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं बी है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनते हैं तो सिंपल सा आंसर है सॉसपैन हैंडल है यदि थर्मोप्लास्टिक का नहीं होगा तो क्या हो यदि हमने उसको थर्मोप्लास्टिक से बना दिया तो जब वो हमारा जो सॉसपैन है वो गर्म होगा तो वो थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ जो हैंडल है वो भी मेल्ट हो जाएगा है ना ये हैंडल वगैरह जो है थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं ओके दूसरा है इलेक्ट्रिक प्लग स्विच एंड प्लग बोर्ड सेम है क्योंकि ये सुपर कंडक्टर होते हैं इसको और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं इसलिए जो इलेक्ट्रिक प्लग है स्विच एंड प्लग बोर्ड है ये सारे हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं इज दैट क्लियर यस मैम यस मैम यस मैम ये है आपका कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू ना कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं आपको आपकी जो लिस्ट दी गई है इसमें से आपको अलग करना है जो हम कैन बी रिसाइकल जिनको रिसाइकल कर सकते हैं कैन नॉट बी रिसाइकल टेबल बना के करेंगे आप ठीक है तो अब इसमें देख लीजिए कैन बी रिसाइकल्ड कैन नॉट बी एक कर लीजिए कैन नॉट बी रिसाइकल दूसरी तरफ कैन बी रिसाइकल टेबल बना के करेंगे ठीक है तो कैन नॉट बी रिसाइकल में पहले आप डाल दीजिए जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैन नॉट कुकर हैंडल उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते कुकर के हैंडल वगैरह है वो रिसाइकल नहीं होते है ना इलेक्ट्रिकल स्विचेस ये हमारे रिसाइकल नहीं होंगे ठीक है क्यों नहीं होंगे क्योंकि ये सारे जो है थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बनाए जाते हैं अब दूसरा है कैन बी रिसाइकल्ड ना कैन बी रिसाइकल्ड वाले में आप यहाँ पर डाल देंगे प्लास्टिक बॉल्स ओके कैन बी रिसाइकल्ड इनको हम कर सकते हैं वो सिंपल सी चीजें हैं आप जानते हो जैसे प्लास्टिक टॉयज हो गए है ना
प्लास्टिक चेयर हो गई, कैरी बैग, कैरी बैग, प्लास्टिक कवरिंग, इलेक्ट्रिकल वायर, बॉल पॉइंट पेंस, प्लास्टिक बाउल्स, बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन होते हैं, ये भी थर्मोप्लास्टिक के बनते हैं, और प्लास्टिक के बाउल्स वगैरह होते हैं, वो भी हमारे थर्मोप्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर बेटा? यस यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 यस मैम। क्या है? नाना वांट्स टू बाय शर्ट, वो शर्ट बाय करना चाहता है और समर सीजन के लिए। Should he buy cotton shirt? उसे कॉटन की शर्ट खरीदना चाहिए और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, या तो सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदे। कौन सी शर्ट खरीदना चाहिए उसे, या तो कॉटन की शर्ट ले या सिंथेटिक मटेरियल की ले। एडवाइस नाना, गिविंग योर सजेशन। तो आपका सजेशन क्या है, कौन सी शर्ट ले वो? मैम कॉटन। मैम कॉटन शर्ट। रीजन बताइए। Because cotton is a good absorber of water. Because cotton is a natural fiber. Because cotton क्या है? Natural fiber. For summer, because cotton absorbs the sweat and the pores in cotton absorb. It can show the sweat coming out of our body and क्या करें? And pores and pores in cotton. मतलब होता है इनमें कोरोजन नहीं होता, इनमें रस्टिंग नहीं होती है ना, तो आपको कुछ एग्जांपल देते हुए बताना है, बताएंगे? यस मैम। कैप्टन, कैप्टन इज अ प्लास्टिक, प्लास्टिक नॉन स्टेट ऑफ वेयर, एंड बैक लाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, प्लस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग किचन वेयर। नहीं करता। This is because of their non-reactive। पता चलता है कि इसका nature non-reactive। ये किसी भी दूसरे object से जल्दी reaction नहीं करता है। With most materials, बहुत सारे materials से। और example में भी हम देखें, the cleansing chemicals that we use for at जो cleansing materials होते हैं, liquid होते हैं, जिनका हम घर में use करते हैं, वो सारे प्लास्टिक बॉटल्स में ही आते हैं। इंस्टीट ऑफ मेटल कंटेनर, मेटल कंटेनर में नहीं आएंगे ये प्लास्टिक भी आते हैं। ये प्रूव करते हैं कि जो प्लास्टिक हमारा नॉन रिएक्टिव, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन कोरोसिव है नेचर में, इसमें किसी तरह का कोई कोरोजन नहीं होता, कोई रस्टिंग नहीं होता, तो इसका जो नेचर है दैट इज नॉन रिएक्टिव। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। 11 में आपका हैंडल एंड crystal of a toothbrush be made of the same material. Exam, explain your answer. Question number 10. From the handle and no the and bristles of the brush be made of the same material. तुम बना सकते हैं? Explain your answer. No, the handle and bristle. The bristles of the toothbrush. No, the made of the material so that it does not harm the germ, and the handle should be made of hard material. Different materials to बनते हैं, ना? कैसे? जो handle है of the toothbrush. मैम बता। बनता है plastic का, है ना? वो plastic का बनता है। अच्छा, और जो ब्रिस्टल्स हैं वो किसके बनते हैं?
मैम बनाने में इसका यूज करते हैं. देखिए द हैंडल्स ऑफ ब्रश शुड बी हार्ड. देखिए जो हार्ड प्लास्टिक होता है जिसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जो ब्रश वगैरह है मैम, ब्रश के हैंडल्स वगैरह है वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि इससे बनते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. While the bristles should be sharp and flexible, है ना? तो bristles होते हैं, वो soft होते हैं और flexible होते हैं. वो किससे बनेंगे? Soft plastic से, है ना? यानी thermo plastic से बनेंगे. ठीक है? चलिए इसमें और देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका. इसमें कह रहा है avoid करना है plastic as far as possible. जितना हो सके हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है. कमेंट ऑन दिस एडवाइस. इस बात पे आप अपना कमेंट करें. कैसे, क्यों करें, क्यों हम प्लास्टिक से दूर रहे हैं? बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. इट इज कॉसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. नहीं होता, सालों ऐसे ही पड़ा रहता है ना, सॉइल के साथ मिक्स हो गया तो वहीं पर पॉइजन सीक्रेट करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है. जिसको हम बंद करते हैं तो पॉइजनस गैस रिलीज होगी, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन होगा. यदि वाटर बॉडीज में जाएगा तो वहां पर भी क्या करेगा, वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं वहां जो एटमॉस्फेयर है क्या करेगा, उसको पॉइजनस करेगा, है ना, जिससे कि वहां पर रहने वाले जो लिविंग बॉडीज हैं उनको नुकसान पहुंचेगा. तो हर तरह से sometimes minimally है ना, तो इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस, है ना, इसको हमें रिड्यूस यानी इससे दूर रहना है. प्लास्टिक का नॉन बायोडिग्रेडेबल. वंस क्या होगा, इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में गया, दे टेक सेवरल इयर्स टू डिकंपोज. और लग जाते हैं बिग आपको बोलेंगे. एंड प्लास्टिक एड एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, जैसे कि एयर पॉल्यूशन करता है ना, वाटर पॉल्यूशन भी करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करता है. पॉलिथीन बैग्स वगैरह आप जानते हैं, नाइट्रोजन डाल दिए हैं और काउस हैं ना, एनिमल्स हैं जो कि गार्बेज में उनको सर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन बैग को फैलो कर लेते हैं. और ये क्या करता है, उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक करेगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है. तो वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. तो हमें इस प्लास्टिक को कम से कम यूज करना है. मैच करना है बेटा, मैच है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड, कॉलम ए कॉलम बी, इनको आप मैच करोगे, है ना. ये आपका कौन सा नंबर है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 है. इसमें देखिए, जैसे कि पहला है पॉलिएस्टर. फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली. मैम बी करेंगे, बी इसका राइट आंसर है. फैब्रिक्स दैट डू नॉट रिंकल इजीली. पॉलिएस्टर एक ऐसा फैब्रिक है जिसमें रिंकल्स जल्दी नहीं आते. टेफ्लॉन क्या है, used to make non-stick cookware. है ना, इसलिए
फाइबर बनाएंगे, सपोज दैट जूट है ना या कॉटन है, तो उतना क्या है उतना हम उनको कट करेंगे है ना, जिसकी वजह से उनका कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करते हैं में हमारा हेल्प करते हैं। सपोज अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हम कब कर पाएंगे, जब हम किसी हद तक कॉटन जो अपना सिंथेटिक नेचुरल फाइबर है उसका यूज कम करें। उसका यूज कम कैसे होगा, जबकि हम सिंथेटिक फाइबर कभी कभी कुछ परसेंट सिंथेटिक फाइबर जो बन रहा है उसका यूज करें, तो हम क्या है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हम हेल्प कर सकते हैं। क्या ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये हेल्प करता है ना इस तरह से। तो आप जानते हो तो समझ यहाँ क्या होगा, जो रॉ मटेरियल्स हैं और नेचुरल फाइबर्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स है ना। प्लांट्स जो नेचुरल फाइबर बनाने के लिए जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। एंड दिस मीन्स कटिंग ए लॉट ऑफ ट्रीज, यानी हमको बहुत सारे ट्रीज को कट करना पड़ेगा तब जाके हमें नेचुरल फाइबर्स मिलेंगे और तब जाके नेचुरल क्रॉप या फैब्रिक बन के तैयार होगा। This leads to deforestation. इससे क्या होगा, बहुत क्या होगा deforestation, deforestation होता है cutting down of trees, बहुत सारे trees को काटना यानी deforestation। But raw material for synthetic materials are mainly क्या होते हैं, these are petrochemicals। जो synthetic fiber बनाने के लिए हम use करते हैं ये petrochemicals होते हैं। Hence manufacturers से हम कह सकते हैं जो manufacturing synthetic fiber हैं helps in the conservation of forest। ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हमारी हेल्प करते हैं। कंजर्वेशन मींस होता है बचाना, सेव करना, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी प्लास्टिक इजेक्ट फॉर कंडक्टर। आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे मैम, बताएं हां क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, सर्किट बना सकते हैं है ना, एक सर्किट बना सकते हैं उसमें आप डिजाइन स्विच बना करके भी ट्यूबर डाल करके आप बना सकते हैं है ना। मेटल बीच में कुछ जगह डाल के उसमें हमने थर्मोप्लास्टिक डाल दिया है ना इस तरह से, तो जहाँ मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, थर्मोप्लास्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो देखिए कैसे बनाना है मैम, इसी तरह से एक मोल बनाएगा यहाँ बना लेते, ठीक है। यहाँ ये ध्यान दीजिए, ये दो फिगर आप बनाएंगे यहाँ पर और इसे इसे एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको कह रहा है
क्लीन करना है कि थर्मोसेटिंग जो थर्मोप्लास्टिक है आपका, थर्मोप्लास्टिक आपका कैसा है, वो कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसमें आप ये वाला फिगर बना दीजिएगा। फिगर बनाने के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करना है ये भी समझिए, लिखना कैसे है इसको। इसमें आपने दो फिगर बनाएंगे, इसके बाद देखिए इसमें आपने क्या किया है। एक में आपने मेटल डाल दिया है, यहाँ पर मेटल है ना, हम जानते हैं आज मेटल साथ बहुत कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जब हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच हमारा ऑन कंडीशन है, ठीक है। जब हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी, इस मेटल का होगा कि हम बल्ब ग्लो कर रहा है। और इसकी जो फिगर हमारा है ए, यहाँ पर क्या है, हमने प्लास्टिक स्केल दिया है ना, यहाँ प्लास्टिक स्केल है जो कि मतलब थर्मो प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। जब हम यहाँ पर स्विच ऑन किया ना, ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से रन होगी, तो भी यहाँ पर थर्मो प्लास्टिक लगा हुआ है या प्लास्टिक स्केल लगी हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा सर्किट है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। जो ओपन सर्किट हो जाएगा, इसकी वजह से बल्ब क्या करेगा, ओके बस बन जा रही है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। हमने यहाँ पर जो सर्किट बनाया है ना, क्या किया है, हमने मेरे को बल्ब चाहिए, वायर चाहिए, बैटरी चाहिए, हम सेल करते हैं ना, और एक मेटल चाहिए, प्लास्टिक का पाइप या स्केल चाहिए। इसको हम इधर सेट करेंगे, नोटबुक बनाने हैं आपको, इधर ए इधर बी आप बनाओगे नोटबुक में। इसके बाद क्या करना है, हमने कैमिकल स्विच ऑन करेंगे तो पहले वाली कंडीशन द करंट इज बी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर केस, है ना। फॉर्मर केस मीन इस वाले केस बेटा। यस मैम, यस मैम, यस मैम, मैम डायग्राम का चैप्टर मैम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना हो तो आपको मैम समझ में ना आए, मैम डायग्राम, मैम डायग्राम कराएंगे ना मैम, हम डायग्राम के डायग्राम मैम प्लीज चेक कराएंगे, मैम डायग्राम का है। कौन बोल रहा है, कौन पूछ रहा है, पहले बताइए। मैम चैप्टर 3 का डायग्राम क्या है, पूछ रही है चैप्टर 3 का डायग्राम क्या है। चैप्टर 3 में डायग्राम होंगे, डायग्राम एवरीथिंग इज क्लियर। यस मैम, चैप्टर 3 के डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं। अच्छा डायग्राम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर में आएंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर में हमने फिगर बनाना है बस, ठीक है। मैम एग्जाम में डायग्राम आएंगे, और मैंने मल्टीपल चॉइस में एग्जाम तो एमसीक्यूज में होंगे ना। अंजलि कुछ पूछना है बेटा। हां एमसीक्यू मैम, ये पूछना था। हां बताओ बेटा, क्या पूछ रही हो। मैम डायग्राम ही पूछना था, आपने बता दिया। मैम यूनिट 1 कब आराध्य आपको पूछना है। नो मैम, नो। ओके तो एवरीथिंग इज क्लियर। आप जो है मैम,